हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो फाइनली अभी हम जिस नदी में खड़े हैं इसका नाम है ख्वाई नदी। वहां से निकल के हम लोग आ गए मार्केट की तरफ। मार्केट में देख सकते हैं कि आप उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन इधर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और आपको धीरे धीरे पूरे मार्केट को दिखाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर क्या क्या मिलता है ये भी दिखाएंगे आपको। आज का दिन है शुक्रवार और आज यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट लगता है। एंट्री करते ही हमें एक छोटा मोटा प्रोग्राम होते हुए दिखा, फिर वहाँ से निकले तो छोटा मोटा दुकान भी दिखा हम लोग को। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ की मेन मार्केट में। सामने आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि आज स्पेशल मार्केट लगता है। और अंदर में अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। अंदर में एंट्री करते ही काफ़ी सारे कपड़ों का दुकान लगा हुआ है, जिसमें आपको कम दाम में काफ़ी सारे कपड़े मिल जाएंगे। क्या रेट है बताया इसका? 100 रुपया। 100 रुपया। और वो जैकेट देखो कौन सा है, ये वाला लेदर वाला? ये तो आपका नहीं होगा वो। क्या रेट है इसका? 850। इससे बढ़िया तो वो लग रहा है। हाँ, ये छोटा हो जाएगा ना। इसमें ले लो, इसमें है, इसमें है। क्या रेट है उसका? 350। क्या रेट है इसका? 1400। कितना? 1400। अरे ये पतला वाला 550। क्या लेना है? कपड़ों के दुकान से हल्का सा आगे आने पर यहाँ पे काफी सारी सब्जियाँ मिल रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोकल फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। मार्केट घूमते घूमते मुझे दिखाई दिया ये क्या? ये ये मूली है, मूली मूली ये नशा में देते है ना, वो जो दारू बनाने के लिए बनता है क्या? ये कटहल है, कटहल। वो ये साबुन है, साबुन। वो एक हो ना, वो कामक बोलते हैं ना उसको, वो खाते हैं जो पाइप होता है ना, उक्का उक्का बताते हो ना चीटा की? उक्का। अच्छा अच्छा, चीटा ना कोई उठा नहीं। अभी मार्केट में मुझे सफेद मूली के साथ साथ लाल मूली भी दिखाई दिया और साथ में यहाँ पे काफी क्वांटिटी में बेर भी बेचे जा रहे हैं और यहाँ के खीरों का भी साइज थोड़ा सा डिफरेंट है। मार्केट के एग्जिट पर ही फटे हुए नोटों को एक्सचेंज करने का भी सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ पे खजूर भी काफ़ी इजीली मिल जाएगा आपको और काफ़ी सस्ते दामों में। मार्केट तो घूम लिया हम लोग ने, अभी हमारे कलीग को लगी है भूख और सामने दिख रहा है पराठा, तो चलिए फिर ऑर्डर करते हैं। दो पराठे का कॉस्ट है 20 रुपीज। टेस्ट भी काफ़ी सही है। पेट पूजा करके हम लोग आ गए मछली मार्केट में। यहाँ पे मछली मिलता है सुखा करके। सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मछलियाँ रखी हुई हैं। इसमें तरह तरह की मछलियाँ हैं। इलिश सुखी। क्या रेट है इसका? रेट क्या है इसका? इसका रेट लगभग 100 ग्राम। 100 ग्राम 50 रुपया। 100 ग्राम 50 रुपया। और ये छोटी वाली का? ये अलग अलग चीज़ है। कितना? 40 रुपये। 40 रुपये 100 ग्राम। झींगा भी है। अभी
अभी सामने आपको जो जगह दिख रहा है ये है नॉनवेज मार्केट। यहाँ पे आपको हर एक प्रकार का नॉनवेज मिल जाएगा, मछली से लेकर के आपको बत्तख तक सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पे मछलियाँ बिक रही हैं। मछलियों से आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पॉर्क भी दिख जाएगा। फिर उसके आगे आपको चिकन काउंटर और मटन काउंटर दिख जाएगा। क्या रेट है इस सबका? 200 रुपये किलो। 200 रुपये ये कितना? ये चलेगा नहीं ना, ये चलेगा नहीं। ये क्या रेट है दादा इसका? रेट क्या है? रेट 800 रुपये किलो। यहाँ पे आपको कुछ पक्षियाँ भी मिल जाएंगी, जैसे कि बत्तख, मुर्गी और कबूतर, और बगल में आपको यहाँ पे इसके अंडे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मुझे एक और चीज दिखी, वो भी कार से रेस लगाती हुई, वो है बैटरी वाला रिक्शा। मोटर वाला रिक्शा है क्या? मोटर वाला है। इसका स्विच कैसे है, काम करता है? इसका स्विच कैसे काम करता है भैया, आगे कैसे बढ़ता है? ऐसे स्टार्ट हो जाता है और इसको घुमाने पे आगे बढ़ता है। पूरा मार्केट घूमने के बाद मैंने बनवाई एक एग रोल और काफ़ी सारी बातें भी की इनसे। इन्होंने यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह बताई जहाँ पर मैं जाकर घूम सकता हूँ। यहाँ पे कुछ शॉप ऐसे भी हैं जो आपको शाम में 5 बजे के बाद ही दिखाई देंगे, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे शाम में 5 बजे के बाद। जहाँ पे मुझे सबसे पहले ये शॉप दिखाई दिया, यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है। सबसे पहले आटे से इसको सील किया गया और इसमें डाला गया पानी। गैस चल रहा है और साथ ही साथ पानी भी गर्म हो रहा है। आटे की टिक्की को ढक करके यहाँ पे बगल में स्टार्ट हो गया प्रिपरेशन। सबसे पहले नारियल का भूसी डाला गया, उसके बाद चीनी, फिर डाला गया थोड़ा सा मलाई, उसके बाद फिर से ऊपर से नारियल का भूसी, और इसको पैक करके इसमें रख दिया जाएगा। तो ये बन के निकलेगा कुछ ऐसे। इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको दिखाता हूँ कितना जल्दी बन जाता है ये। इसको भी ढका गया, फिर प्रिपरेशन शुरू हो रहा है बगल में। और ये बस तैयार हो गया। इसका टेस्ट काफी सॉफ्ट और मीठा है। फिर मुझे दिखाई दिया ये डोरा केक, मैंने इसे भी ऑर्डर कर दिया।
पर ये केक मीठा नहीं बल्कि नमकीन है। फाइनली मैं यहाँ के फिश शॉप पे आ गया और यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ थी जिसमें से मैंने भी ऑर्डर कर दिया। ये वाला मछली कर दीजिएगा फ्राई, ये वाला एक फ्राई। ये रोहू है, ये है काटला, ये है रूप चांद और ये साइड में रखे हुए जो गोले हैं ये है चिकन बॉल्स। मछली बाहर आ चुकी है और ये बाहर आ गया हमारा चिकन बॉल। काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने चटनी प्याज मिर्च के साथ डेकोरेट करके सर्व किया है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ऊपर से आलू है और अंदर में चिकन का स्टफिंग है। मछली भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और खाने में जूसी भी। और ये है अपना नमकीन डोरा केक जो टेस्ट में थोड़ा बहुत इडली जैसा लग रहा है। अगर आप आसपास में रहते हो तो यहाँ पे आकर के एक बार यहाँ का डिश जरूर ट्राई करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए।